हेलो एंड वेलकम गाइस, अनदर गेम प्ले वीडियो में आपका स्वागत है, वेलकम है। जहां पर मैच है दोस्तों पंजाब और बेंगलोर की टीमों के दरमियान, और छठा मैच जो है वो इस वक्त खेला जा रहा है। और रही बात इस मैच की, तो दोस्तों मैच के अंदर जो है वो 30 गेंद हैं, और 30 गेंदों के ऊपर पंजाब की टीम को 68 रन्स की ज़रूरत है ये मुकाबला अपने नाम करने के लिए। बॉलर जो है दोस्तों तैयार रहेंगे विराट कोहली। इस ओवर की पहली गेंद, इस गेंद को स्मैश करना चाहते थे ग्लेन मैक्सवेल, लेकिन नाकाम रहे, और गेंद जो है वो दोस्तों बल्ले के बिल्कुल पास होते हुए गई है विकेट कीपर के हाथ में। मैक्सवेल मौजूद हैं, और साथ साथ मैक्सवेल के साथ साथ जो है वो दोस्तों इस मैच के अंदर कह लीजिए कि ग्लेन मैक्सवेल जो है वो ग्लेन मैक्सवेल के साथ साथ के राहुल जो है दोस्तों मैच का हिस्सा। यहाँ पर इस गेंद को ड्राइव किया है एक्स्ट्रा कवर के रीजन में सिंगल आते हुए। बड़े रन्स की मांग है जी, बिल्कुल दोस्तों बड़े रन्स की जो है वो मांग है इस मैच के अंदर टीम कह लीजिए कि पंजाब को विन करने के लिए। अब देखना होगा पंजाब जीती है या फिर बेंगलोर की टीम। बेंगलोर को आ रही हुई है गेंद, स्लो रन, ये गेंद माफ कीजिएगा, बेंगलोर के इस बॉलर की जानिब से एक रन आएगा इस गेंद के ऊपर, और दूसरे के लिए भी दोनों प्लेयर वापस आएंगे। दो रन्स बनते हुए, दो रन्स के साथ जो है वो दोस्तों जो रन रेट है वो बढ़ेगा, रन रेट 15 के आसपास जाते हुए 178 रन्स का टारगेट है, 178 रन्स का जो है वो दोस्तों इस मैच के अंदर टारगेट है। जहां पर बॉलर तैयार हैं अपने ओवर के लिए गेंद लेकर विराट कोहली आए, गेंद के इस गेंद को स्मैश करना चाहते थे के अब राहुल एक्स्ट्रा कवर के रीजन में, लेकिन नाकाम रहे। विराट कोहली जो है दोस्तों अच्छी बॉलिंग करवाते हुए इस मैच के अंदर, बढ़िया बॉलिंग करवाते हुए विराट कोहली यहाँ पर एक दवा फिर से तैयार हैं। चार गेंदें हो चुकी हैं, तीन रन आए हैं इस ओवर से, और इस गेंद को बिलाकर स्मैश किया है एक्स्ट्रा कवर के रीजन में छक्के के लिए। ब्रिलियंट हिटिंग बाय के राहुल जो कि सेट हो चुके हैं, इस गेंद को स्मैश किया एक्स्ट्रा कवर की जानिब, और गेंद जो है वो दोस्तों जाते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर छक्के के लिए। बढ़िया छक्का देखने में आया है इस प्लेयर के बल्ले से जिन्होंने स्मैश किया, जिन्होंने ज़ोरदार अंदाज से इस गेंद को जो है वो दोस्तों खेल दिया एक्स्ट्रा कवर के रीजन में, और गेंद जाते हुए गेंद जो है वो दोस्तों बढ़ते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर छक्के के लिए। एंड विद दैट सिक्स द स्कोर इज 119 ऑन द लॉस ऑफ फोर विकेट्स। ये बिल्कुल दोस्तों 119 है स्कोर, चार विकेट्स के नुकसान पे। बॉलर एक दवा फिर से तैयार आया, गेंद का पैट्स पर आता हुआ गेंद, पैट्स पर आता हुआ गेंद मोड़ना चाहते थे इस गेंद को लेग साइड की जान, नाकाम रहे, और वाइड बॉल का इशारा होते हुए अंपायर की जान से। 120 हो चुका है स्कोर, रिक्वायर्ड रन रेट अभी भी, ये बिल्कुल दोस्तों रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो अभी भी इस मैच के अंदर 13 का है। बॉलर फिर से आया, गेंद का इस गेंद को बैक फुट पर रहते हुए पंच किया है, उमदा शॉट, और गेंद जाते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर एक और चौके के लिए। तो बेहतरीन इख्तिताम किया है इस ओवर का, बहुत ही अच्छा इख्तिताम करते हुए इस ओवर का यहाँ पर टीम पंजाब की ये प्लेयर्स, और चौके के साथ जो है वो दोस्तों अब इस इन आखिरी चार ओवर्स के अंदर जो है वो दोस्तों यहाँ पर टीम जो है वो दोस्तों कह लीजिए कि पंजाब को बड़े रन्स की ज़रूरत है, बड़े रन्स बनाने होंगे टीम पंजाब को। 54 रन चाहिए, 24 गेंदों का खेल अभी बाकी है, और एक दफा फिर बॉलर जहां दोस्तों तैयार हैं नवदीप सैनी अपनी बॉलिंग के सिलसिले को जारी रखेंगे। इस ओवर के लिए गेंद, यॉर्कर लेंच गेंद, इस गेंद को उठाया यहां पर लॉन्ग ऑन की जाने मैक्सवेल के बल्ले से निकला हुआ है शॉट, गेंद जाएगा सीधा फील्डर के पास, और इस तरह पंजाब की टीम एक और बड़ी विकेट को लूज़ करते हुए, बिल्कुल दोस्तों पंजाब की टीम बड़ी विकेट को लूज़ करते हुए ग्लेन मैक्सवेल अब जो है वो आउट होकर पवेलियन की तरफ वापस जाएंगे। स्मैश किया था इस गेंद को, स्मैश जो है वो दोस्तों किया था इस गेंद को सीधे बल्ले के साथ स्ट्रेट बाउंड्री की तरफ, लेकिन फील्डर मौजूद थे जो कि इस गेंद को कैच करते हुए, और इसी कैच के साथ पंजाब की टीम जो है वो दोस्तों मुश्किलात का शिकार। छठा मैच है दोस्तों, और छठे मैच के अंदर पंजाब की टीम ने अपनी पोजिशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं रखी, 23 गेंदें हैं, 54 रन्स की ज़रूरत है, और एक दफा फिर बॉलर जहाँ तैयार हैं जी, बिल्कुल दोस्तों इस ओवर के लिए गेंद लेकर बॉलर तैयार आए, गेंद के इस ओवर के लिए गेंद अंदर आती हुई है, गेंद बीट हुए हैं बल्लेबाज केएल राहुल जो है दोस्तों की विकेट रहेंगे इस मैच के। और ये एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि अपनी टीम को ये मैच जो है वो दोस्तों जितवा सकते हैं, अदरवाइज इस टीम के लिए मैच जितना मुश्किल रहेगा। बॉलर आए, गेंद क्या स्लो वन दिया गेंद, और इस गेंद को उठा दिया है यहाँ पर आसमान की तरफ, गेंद जो है वो दोस्तों जाते हुए एक्स्ट्रा कवर की जानिब छक्के के लिए। गैप में खेला इस स्लोर वन गेंद को, और भरपूर फायदा जो है वो दोस्तों उठाते हुए इस गेंद का बल्लेबाज, गेंद जाएगी एक्स्ट्रा कवर के रीजन में बाउंड्री लाइन के बाहर छक्के के लिए। एंड विद दैट सिक्स, बिल्कुल दोस्तों इस छक्के के साथ मजीद रोमांचक रहते हुए मुकाबला, एक बड़ा छक्का लगा है जी, बिल्कुल दोस्तों 96 मीटर का लंबा छक्का लगाते हुए प्लेयर, और 130 हो चुका है स्कोर, अभी भी जो है वो दोस्तों यहाँ पर अभी भी जो है वो 48 रन्स की ज़रूरत है मैच को विन करने के लिए, 48 रन्स की ज़रूरत। बॉलर आ, गेंद क्या इस गेंद को स्ट्रेट हिट क्या है, गैप में है गेंद, एक रन आएगा इस गेंद के ऊपर, और दूसरे के लिए दोनों प्लेयर वापस आएंगे। दो रन जाते हुए
दो रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 132 रहेगा 5 विकेट के नुकसान पे। चार गेंदें हो चुकी हैं और चार गेंदों के ऊपर अब तक 8 रन आए हैं इस मुकाबले के अंदर और बड़ी हिट्स लगातार लगानी होंगी। जी बिल्कुल दोस्तों, बड़ी हिट्स जो हमें लगातार लगानी होगी। नवदीप सैनी एक दफा फिर से आ गए, क्या स्मैश किया है, स्मैश किया है और क्या ही लाजवाब स्मैश किया है लगसाठी जान। एक और छक्का लगेगा और छक्के के साथ मैच इंटरेस्टिंग रहते हुए, बिल्कुल दोस्तों मैच जो है वो मजीद इंटरेस्टिंग रहते हुए। ब्यूटीफुली टाइम्ड एंड प्लेस बाय केएल राहुल। जी बिल्कुल दोस्तों, केएल राहुल जो के कप्तान हैं वो अपनी टीम को मैच जो है वो दोस्तों जितवा सकते हैं, अदरवाइज इस टीम के लिए मैच जीतना जो है वो मुश्किल रहेगा। 19 गेंदें हैं, 40 रन की ज़रूरत है। जी बिल्कुल दोस्तों, 19 गेंदों के ऊपर 40 रन की ज़रूरत है और अब नवदीप सैनी जो है वो अपनी बॉलिंग के सिलसिले को जारी रखेंगे। आखिरी गेंद लेकर बॉलर जो है तैयार, 83 पर जा चुके हैं केएल राहुल जो कि अपनी 50 को मुकम्मल करना चाहेंगे। बॉलर फिर से आए और इस गेंद को फिर से स्मैश किया छक्के के लिए एक्स्ट्रा कवर के रीजन में। कमाल बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल जो 89 के स्कोर पर जा चुकी हैं, छक्का लगाया, स्मैश किया इस गेंद को जोरदार अंदाज से एक्स्ट्रा कवर के रीजन में और नवदीप सैनी का ये ओवर जो है दोस्तों एक मैच चेंजिंग ओवर साबित होते हुए टीम जो है वो टीम कह लीजिए कि यहाँ पर पंजाब के लिए बड़ा छक्का देखने में आया है। और अब जो है दोस्तों तीन ओवर्स का खेल बाकी है। शिवम दुबे को जो है वो बॉलिंग के लिए लाया गया है। जी बिल्कुल दोस्तों, शिवम दुबे जो है वो अपनी बॉलिंग के सिलसिले को जारी रखेंगे। बॉलर तैयार, पहली गेंद लेकर बॉलर जो है दोस्तों तैयार, इस ओवर की पहली गेंद लेकर बॉलर तैयार। शुभे की ये गेंद अंदर आती हुई गेंद, दुबे की ये गेंद, इस गेंद को डिफेंड करना चाहते थे ऑफ साइड की जान नाकाम रही। तो के गौतम जो है वो दोस्तों नए बल्लेबाज हैं, इनको सिंगल लेकर अपने कप्तान को देना होगा जो कि सेट हो चुके हैं इस मैच के अंदर। एक दफा फिर बॉलर आए, गेंद क्या स्मैश किया है इस गेंद को मिड ऑफ की जानिब सिंगल आते हुए और सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 147 रहेगा 5 विकेट के नुकसान पे। 17.2 ओवर्स का खेल अब तक मुकम्मल हुआ। जी बिल्कुल गाइस, 17.2 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी, जल्दी से इस मुतालिक अपनी राय का इजहार तमाम दोस्त करिएगा। एक और उमदा गेंद दुबे की जानिब से, डॉट डिलीवरी रहेगी और टीम पंजाब जो है वो दोस्तों प्रेशर में जाते हुए 15 गेंदें हैं, 33 रन की ज़रूरत है। बड़ा शॉट लगाना होगा केएल राहुल को और बड़ा शॉट लगाकर वो अपनी सेंचुरी के पास जा सकते हैं। इस गेंद को स्मैश कर दिया है, लॉन्ग ऑफ की जानिब, गेंद आसमान से बातें करते हुए लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर, छक्के के लिए लवली टाइमिंग एंड लवली प्लेसमेंट बाय केएल राहुल जिन्होंने मिडल किया इस गेंद को और 95 पर जाते हुए केएल राहुल और उनको जो है वो सिर्फ और सिर्फ 5 रन की इस मैच के अंदर ज़रूरत है, 5 रन की ज़रूरत है इस मैच के अंदर। एंड दिस मैच इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। जी बिल्कुल दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहते हुए मुकाबला, 151 है स्कोर 5 विकेट्स के नुकसान पे और अभी भी हर ओवर के अंदर 12 रन बनाने होंगे इस टीम को। एक दफा फिर बॉलर तैयार, अगली गेंद स्लोर बन जाए, गेंद लाजवाब बॉलिंग करवाते हुए शिवम दुबे, अच्छा कमबैक किया गया है शिवम की जान से। 5 गेंदें करवाई हैं और 5 गेंदों के ऊपर अब तक इन्होंने 7 रन दिए हैं। बॉलर एक दफा फिर से तैयार, एक दफा फिर से बॉलर आए, गेंद क्या स्मैश किया इस गेंद को मिड ऑफ की जानिब, सिंगल आएगा केएल राहुल की जानिब से और आखिरी गेंद के ऊपर सिंगल लेते हुए केएल राहुल। अब जो है वो दोस्तों 96 पर जा चुके हैं केएल राहुल और उनको एक जो है वो बाउंड्री की ज़रूरत है अपनी सेंचुरी को मुकम्मल करने के लिए। वाशिंगटन सुंदर को इन लास्ट ओवर्स के अंदर जो है दोस्तों बैटिंग करने के लिए लाया गया है, बॉलिंग के लिए माफ कीजिएगा लाया गया है। स्ट्राइक पर मौजूद होंगे केएल राहुल, राहुल की ये गेंद, राहुल को आती हुई गेंद, इस गेंद को हवा में खेला लॉन्ग ऑन की जाने और इसी के साथ जो है दोस्तों केएल राहुल अपनी सेंचुरी को मुकम्मल करेंगे लाजवाब बैटिंग करते हुए। केएल राहुल जिन्होंने स्ट्रेट हिट किया इस गेंद को और गेंद जो है वो बढ़ते हुए, गेंद जो है वो दोस्तों जाते हुए लॉन्ग ऑफ के फील्डर के सर के ऊपर से, मिड ऑफ के फील्डर के सर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए और इसी के साथ सेंचुरी बनाते हुए कप्तानी वाली इनिंग्स जो है दोस्तों खेली गई है केएल राहुल की जान से। कमाल कर दिया आज केएल राहुल ने, जिन्होंने इस गेंद को स्ट्रेट हिट किया मिड ऑफ के फील्डर के सर के ऊपर से और गेंद जो है दोस्तों बढ़ते हुए, गेंद जो है वो जाते हुए लॉन्ग ऑफ के फील्डर के सर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए, चौका लगा है। जी बिल्कुल दोस्तों, 11 गेंदें हैं, 22 रन की ज़रूरत है पंजाब की टीम को ये मुकाबला विन करने के लिए। जहां पर अब बॉलर एक तवा फिर से तैयार, वाशिंगटन सुंदर इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार हैं। बॉलर आया, गेंद क्या, गेंद को स्मैश किया है ऑफ साइड की जान सिंगल आते हुए एंड विद दैट सिंगल द स्कोर मूव्स ऑन टू 157 ऑन द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। बिल्कुल दोस्तों, स्कोर जो है वो बढ़ते हुए अब हो चुका है इस मैच के अंदर 157। अगली गेंद शॉट पिच, गेंद पुल कर दिया है लेग साइड की जानिब सिंगल आते हुए गौतम के बल्ले से, जिन्होंने स्ट्राइक को रोटेट किया और स्ट्राइक को जो है वो दोस्तों दे दिया है अपने कप्तान को और कप्तान जो है वो इस मैच को फिनिश करने की कोशिश करेंगे।
बिल्कुल दोस्तों, कप्तान जो है वो इस मैच को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। एक दफा फिर वाशिंगटन सुंदर की ये गेंद पैड्स पर आती हुई गेंद स्मैश करना चाहते थे स्क्रीन को, लेकिन नाकाम रही, डॉट डिलीवरी रहेगी और डॉट डिलीवरी के साथ प्रेशर आते हुए। बिल्कुल दोस्तों, प्रेशर जो है वो आते हुए टीम पंजाब के ऊपर। आखिरी ओवर्स का खेल होगा और आखिरी ओवर्स के अंदर बॉल फिर से आ गेंद स्क्रीन को स्मैश कर दिया है एक्स्ट्रा कवर की जानिब, एक और छक्का लॉफ किया इस गेंद को और क्या ही लाजवाब अंदाज से लॉफ किया। 14 रन की जरूरत है। अगर आपको गेम प्ले जरा बराबर भी अच्छा लग रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्या ही उम्दा अंदाज से इस गेंद को जो है वो उठाया एक्स्ट्रा कवर के रीजन में और गेंद जो है दोस्तों बल्ले के मिडल से निकलते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर छक्के के लिए जाएगी। एंड इसी छक्के के साथ जो है दोस्तों 164 रहते हुए टीम पंजाब का स्कोर 5 विकेट्स के नुकसान पे। बिल्कुल दोस्तों, स्ट्राइक को जो है वो अपने पास रखना होगा केएल राहुल को, क्योंकि वो अहम प्लेयर हैं इस मैच के। स्ट्रेट हिट किया इस गेंद को मिड ऑफ की जान भी, यहाँ पर रन आउट का खतरा हो सकता है, लेकिन डाइव करते हुए अपने आप को सेव किया केएल राहुल ने। जी बिल्कुल दोस्तों, डाइव करते हुए अपने आप को सेव किया केएल राहुल ने और अब लास्ट ओवर होगा इस मुकाबले का, इस इंटरेस्टिंग मुकाबले का जो है दोस्तों लास्ट ओवर रहने वाला है, जहां पर 165 है टीम पंजाब का स्कोर 5 विकेट्स के नुकसान पे। और डेल स्टेन जो है वो अपनी बॉलिंग के सिलसिले को जारी रखेंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, डेल की ये गेंद हिट किया है इस गेंद को मिड ऑफ की जानिब, सिंगल आएगा और सिंगल के साथ दूसरे के लिए भी दोनों प्लेयर वापस आएंगे। बिल्कुल दोस्तों, पहली गेंद के ऊपर 2 रन आते हुए और अब 5 गेंदों के ऊपर 11 रन की जरूरत है, आवश्यकता है। कौन सी टीम जीतने वाली है इस मुकाबले को, जल्दी से इस बारे में आप तमाम दोस्त जो हैं वो बता सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, जल्दी से इस बारे में आप तमाम दोस्त बता सकते हैं। अली गेंद को स्मैश करना चाहते थे पंजाब के कप्तान, लेकिन नाकाम रहे। 110 पर मौजूद हैं केएल राहुल। अगर वो अपनी टीम को मैच नहीं जितवाएंगे तो दोस्तों उनकी इस इनिंग्स का कोई फायदा नहीं रहने वाला उनकी टीम को। बॉलर आगे क्या इस गेंद को स्मैश कर दिया है जोरदार अंदाज से लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के फील्डर के दरमियान में से स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के बाहर छक्के के लिए। ब्रिलियंट पीस ऑफ बैटिंग बाय केएल राहुल, जो तने तनहा जो है वो दोस्तों इस मैच को जितवाने में लगे हुए हैं अपनी टीम को। केएल राहुल 116 रन की लाजवाब इनिंग्स खेलते हुए, 116 रन की जो है वो दोस्तों यहां पर अब तक इन्होंने उम्दा इनिंग्स खेल रखी है और एक बड़ा छक्का लगाया गया है इनके बल्ले से, एक बड़ा छक्का जो है वो दोस्तों निकलते हुए जिन्होंने स्ट्रेट हिट किया इस गेंद को स्मैश किया और गेंद जो है वो हवा में रहने के बाद 90 मीटर के लंबे छक्के के लिए। 3 गेंदें हैं, 5 रन की जरूरत है। बिल्कुल दोस्तों, 3 गेंदों के ऊपर 5 रन की जरूरत है। एक दफा फिर बॉलर जो है दोस्तों तैयार इस ओवर के लिए। गेंद, अगली गेंद, इस गेंद को स्मैश कर दिया एक्स्ट्रा कवर के रीजन में सिंगल आते हुए इस गेंद के ऊपर और दूसरे के लिए भी दोनों प्लेयर वापस आएंगे 2 रन आते हुए इस गेंद के ऊपर और 2 रन के साथ अब जो है वो दोस्तों 3 रन की जरूरत है। 2 गेंदों का खेल मजीद बाकी, 21 गेंदों के ऊपर 51 रन की पार्टनरशिप आते हुए इन दोनों प्लेयर्स के लिए। क्या ही रोमांचक मुकाबला चल रहा है, क्या ही इंटरेस्टिंग मुकाबला जो है वो दोस्तों चलते हुए इन दोनों टीम्स के दरमियान, जहां पर बॉलर एक दवा पिट से तैयार रहने वाले हैं। बॉलर आ गेंद, क्या शॉट, पीछे गेंद, पुल कर दिया है इस गेंद को लेग साइड की जानिब और पंजाब की टीम जो है दोस्तों आरसीबी की टीम को इस मुकाबले के अंदर, इस रोमांचक मुकाबले के अंदर 5 विकेटों से हराते हुए मैन ऑफ द मैच रहेंगे केएल राहुल, जिन्होंने लाजवाब इनिंग्स खेली अपनी टीम को जो है वो दोस्तों ये मैच जितवाया। 124 रन बनाए 72 गेंदों के ऊपर, 124 रन की उम्दा इनिंग्स खेली और इस तरह पंजाब की टीम इस टोटल को चेज करते हुए। दोस्तों, अगर आपको गेम प्ले जरा बराबर भी अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जहां पर मैं मिलूंगा जल्द ही आपको एक नई वीडियो के साथ। मैन ऑफ द मैच नन अदर देन केएल राहुल। जी बिल्कुल दोस्तों, 124 रन की बहुत ही उम्दा इनिंग्स। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। आई विल बी राइट बैक विद यू विद अनदर गेम प्ले वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।